गाइस, तो हम पहुंच गए हैं अब वुमेन सेक्शन में, जो कि मेरा फेवरेट सेक्शन है। वैसे मैंने देखा है थोड़ा सा, मुझे पसंद कुछ नहीं आ रहा है यहाँ से तो, बट चलो आपको घुमाती हूँ मैं फिर भी। यहाँ पे वुमेन सेक्शन में काफ़ी ड्रेसेस होती हैं, जैकेट्स हैं, जिसे जो लेना है वो यहाँ आके ले ले। ये सारा जैकेट्स का कॉलम है, यहाँ पे अलग अलग ब्रांड्स हैं, अलग अलग कलर्स हैं, यू कैन परचेज एनी थिंग यू लाइक टू। और ड्रेसेस भी हैं, शॉर्ट ड्रेसेस भी हैं, समर ड्रेसेस भी कुछ आ चुकी हैं। समर अभी एक दो तीन महीने तो आने नहीं वाली, बट खैर आ गया है सामान। चलो हम नेक्स्ट वाले कॉलम में देखते हैं। तो यहाँ पे भी सारी ड्रेसेस हैं, ये सारा समर ड्रेसेस का कॉलम है गाइस। यहाँ से आप समर ड्रेसेस देख सकते हो, ये सारा पीछे जीन्स का कॉलम है। ये पीछे जीन्स अलग अलग साइज वगैरह होते हैं, यहाँ पे आप उस हिसाब से अपनी जीन्स वगैरह भी ले सकते हो। तो अभी यहाँ पे स्वेटर्स हैं, समर का भी सामान आया हुआ है, विंटर्स का भी आया हुआ है, कोट्स भी हैं। अभी ना फेब के मौसम में, अभी फेब यहाँ पे स्टार्टिंग है, बट सामान सारा है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, अगर आपको पसंद है लीजिए, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। चलो गाइस, मैं थोड़ा आगे चलती हूँ। गाइस यहाँ पे मुझे लग रहा है मेंस शॉपिंग ही ठीक है, वुमेन्स में तो मुझे कुछ भी पसंद ही नहीं आ रहा। बाकी घर का सामान भी मिल जाता है सारा, जो जिस वुमेन को घर का सामान लेना है, किचन, क्रॉकरी, सजावट, डेकोरेशन, एवरीथिंग। और लेडीज़ की जो ब्यूटी के कॉस्मेटिक्स हैं वो भी यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, सारे ब्रशेस, परफ्यूम्स, मास्क, स्पा एसेंशियल्स, कुछ मास्क वगैरह होंगे, ये मैं आपको उस सेक्शन में लेके आई हूँ। ये भी सारे मेंस एसेंशियल में पहले आए हैं, मेन की किस्मत अच्छी है आज। तो ये सारे स्पा एसेंशियल्स हैं, ये सारे ब्रशेस एंड ऑल, हर तरह की क्रीम, फेशियल्स, जेल्स, ये सारा इन्हीं का कॉलम है, बॉडी वॉशेस। सो ये है लेडीज़ डिपार्टमेंट, सारे स्पा एसेंशियल्स, मास्क वगैरह, हर चीज़ यहाँ से मिल जाएगी। आयुर्वेदिक जो नेचुरल मास्क होते हैं वो भी मिल जाते हैं, केमिकल मास्क अगर कोई यूज़ करता है वो भी मिल जाते हैं। फेशियल किट्स हैं यहाँ पे, आपको फेशियल किट्स भी मिलेंगी, हैंड मास्क मिलेंगे, आई पैड्स, एक्सफोलिएटिंग किट्स, और सीरम वगैरह, फेस सीरम्स वगैरह जो यूज़ करते हैं वो भी मिल जाएगा। सो नेक्स्ट इज़ शैम्पूज, लिपस्टिक्स, फेशियल क्रीम्स, ब्यूटी एसेंशियल्स, ये हर तरह के आपको अगर स्पा के शैम्पूस चाहिए, कंडीशनर्स चाहिए, कुछ नेचुरल ऑयल्स चाहिए, वो ये सारा डिपार्टमेंट है गाइस। ये सारा जो इस साइड पे कॉलम है, कुछ ड्रायर्स चाहिए, हेयर स्ट्रेटनर्स चाहिए, सो यू विल गेट एवरीथिंग ओवर हेयर। चलो गाइस अब आगे चलते हैं। ये आ गया ब्यूटी एसेंशियल्स, इसमें सारी स्किन टोन्स की स्किन फाउंडेशंस और आई मेकअप का सारा सामान है यहाँ पे। जो बहुत ज़्यादा मेकअप की शौकीन है लड़कियाँ, वो यहाँ से अपना आई मेकअप का जो सामान है वो यहाँ से ले सकती हैं। आई लैशेज वगैरह भी जो यूज़ करती हैं वो भी लगा सकती हैं, और मेकअप ब्रशेस हर साइज़ के मिल जाते हैं, फॉर एवरीथिंग यू हैव एवरी ब्रश ओवर हियर। सो यहाँ पे स्किन केयर, बाथ, बॉडी वॉशेस, ये सारा वो वाला कॉलम आ जाता है स्किन एसेंशियल्स का। सो यहाँ पे सारे सोप बार, विटामिन सी, ऑर्गेनिक चीज़ें हैं काफ़ी, आई केयर की एंटी फिटी क्रीम्स हैं रिलैक्सेशन के लिए, और आई इल्यूमिनेटर्स हैं। दिस इज
bath and body. Like this one is sweet and simple honey. And then the other one is body washes, hemp seed oil. So all those things, hand washes kahin ko fragrances wale acche lagte hain. So you can take those nail paints hai yahan pe. So ladke yahan se nail paint le le. Main chalti hu aage. सारा है वुमेन सेक्शन. कुछ कारपेट्स वगैरह हैं, कुछ मैट्स हैं. ये सारा गाइस यहाँ पे जो हमने फुटवेयर का मैंने आपको दिखाया था, फुटवेयर का ऐसे कॉलम है सारा. तो फुटवेयर का एक अलग से सेक्शन है यहाँ पे, मेंस वुमेन और बच्चों का सब कुछ मिल जाएगा. तो यहाँ पे हम कारपेट्स वाले एरिया में आ गए, ब्लैंकेट्स वाले एरिया में आ गए. ये सारा है ब्लैंकेट्स का, कारपेट्स का सेक्शन आ गया. तो मैं तब तक देखती हूँ गाइस, आप इंजॉय करिए, आप थोड़ी सी ब्रेक ले लीजिए. तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद. तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सॉक्स वगैरह का कॉलम है. आप यहाँ से सॉक्स भी ले सकते हो, समर विंटर्स एनी काइंड ऑफ सॉक्स यू वांट. और यहाँ पे बच्चों के शूज़ मिल जाते हैं. अपना कॉलम नहीं है पर मैं आपको फिर भी दिखाने आई हूँ. जो लोग आगे प्लान कर रहे हैं बॉमनगर में आने का, जिनको नहीं पता कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है, सो दे कैन कम. हर साइज़ के भाई बच्चे के शूज़ मिल जाते हैं यहाँ पे, गर्ल्स के. और ये है अपना कॉलम जिसमें बड़ी वाली लड़कियों के मिल जाते हैं. दिस इज़ दैट वन कॉलम. इसमें हर तरह के विंटर बूट्स, दूसरे शूज़, गम शूज़, एवरीथिंग यू विल गेट हेयर. तो ये है वो गाइस, आप यहाँ पे भी ले सकते हो. और कुछ कलेक्शन यहाँ पे अलग अलग साइज़ होते हैं, आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंगली यहाँ पे ट्राई कर सकते हो पहन के. विच एवर फिट्स वेल यू कैन गेट दैट. तो ये ऐसे कलेक्शन है इसकी, शूज़ की भी. चलो गाइस आगे चलते हैं, थोड़ा आगे देखें क्या है यहाँ पे. ये मेन सेक्शन है, साथ ही ऊपर लिखा होता है गाइस फुटवेयर कॉलम. सी लाइक दिस, ऊपर फुटवेयर लिखा होता है यहाँ पे. तो आप उस हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो वेदर यू वांट टू गो फॉर मेंस और वुमेन. तो ये सारा जेंट्स कॉलम है. काफ़ी सारे लोग मेरे से जुड़े हुए हैं तो मैं उनको भी दिखा रही हूँ कि अगर आप बॉमनविल आओगे शॉपिंग करनी हुई तो विनर्स पे आ सकते हो. तो ये सारा जेंट्स कॉलम है, ये वाला. काफ़ी तरह के शूज़ साइज़ वगैरह सब मेंशन होते हैं, कलर्स होते हैं, आप पहन के भी देख सकते हो. और अगर आपको रिटर्न भी कराना हो, कुछ खरीदी हुई चीज़ है अगर आपको वापस करनी है तो आप वापस भी कर सकते हो विद इन आई थिंक 30 डेज. उस सीट पे लिखा होता है कि आपको कब वापस करनी है. तो चलो गाइस अब आगे चलते हैं. सो गाइस यहाँ पे आ गया खाने पीने का सामान. खाने पीने के सामान में यहाँ पे अलग तरह के चॉकलेट वनीला फ्लेवर पॉपकॉर्नस हैं. और यहाँ पे चॉकलेट्स हैं, बहुत तरह की चॉकलेट्स हैं. वैलेंटाइंस वाले लोग सोच रहे होंगे कि हम किस किस को कहाँ कहाँ चॉकलेट्स दें. तो आप जो बंदे यहाँ पे रह रहे हैं ड्यूरम में वो यहाँ से भी ख़रीद सकते हैं. सो दीज आर ऑल काइंड ऑफ चॉकलेट्स presented over here. तो you can choose any one, whichever you like. ये सारा chocolates का कॉलम है. ये भी भाई घर का ही सामान है सारा. और chocolates हैं यहाँ पे, अलग अलग तरह के आयुर्वेदिक formulas हैं, वो चीज़ें भी मिल जाती हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ. chocolate collection, कुछ syrups होते हैं जैसे कई लोग chocolates में या chocolate syrup में डालते हैं, syrups coffee में डालते हैं. All those things you can get from these things. ये bottles जो हैं ये पेग शेक की वाइन की नहीं है, लगती हैं पर है नहीं. तो ये है कॉफ़ी के सिरप्स हैं, कुछ कोई कैरमल सिरप है, कोई सिरप है. तो वो चीज़ें गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे. कई सिरप्स वगैरह डालने कहीं उनका टेस्ट होता है, सो दे कैन बाय फ्रॉम हेयर. यहाँ पे स्किनी सिरप्स हैं, कॉफ़ी सिरप्स,
कैरमल क्रीम है, शुगर फ्री सिरप्स हैं, जिनको शुगर फ्री चाहिए होता है वो वहाँ से ले सकते हैं। सो काफ़ी वैरायटी है गाइज, आप यहाँ में से जो लेते हैं सिरप्स वो भी ले लें यहाँ से। किचन का सामान भी यहाँ पे अवेलेबल होता है गाइज, किचन की क्रॉकरी में आपको कुछ भी चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो। ये देखिए गाइज, किसी भी तरह के डिब्बे शिब्बे चाहिए हो किचन के लिए, ये सारा आप ले सकते हो यहाँ से। टिफिन कुछ भी किचन का, प्लेट्स वगैरह रखने के लिए आप किचन में अगर आपको कुछ चाहिए तो आप ये चीज़ें ले सकते हो। ये एक्सटेंडेबल डिश ट्रेनर होता है दिस वन, तो ये भी काफ़ी इफेक्टिव रहता है, पानी वगैरह सब निकल जाता है इससे कुछ बर्तन में रखना हो तो। नेक्स्ट चीज़ें गाइस यहाँ पे किचन की और चीज़ों की बात, अगर मैं किचन सेक्शन में आई हूँ, अदरवाइज मैंने मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है सेक्शन में, बट आई हुई हूँ तो आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ पे वो सारे मिक्स वगैरह करने वाले जो होते हैं, जूसर के लिए सामान चाहिए, कुछ मिक्सिंग के लिए चाहिए, वो यहाँ पे सारा कुछ मिल जाता है। सो ये सारी वैरायटी है गाइस, हर चीज़, गार्लिक प्रेस करना कुछ मिक्सिंग के लिए चाहिए, कुछ फोक्स चाहिए, कुछ स्पून चाहिए, दैट एवरीथिंग यू कैन टेक फ्रॉम हेयर। तो ये सारा किचन कॉर्नर है विनर्स में, स्टार्टिंग से लेके आपको दिखा रही हूँ। नीचे बेकिंग का सामान भी मिल जाता है, कुछ अगर आपको बेक करना है तो ये बेकिंग का सारा सामान होता है यहाँ पे, यहाँ से आप बेकिंग यूटेंसिल्स ले सकते हो। ओके गाइस, चलें आगे, लेट्स गो। आगे कप्स एंड ऑल, और ये जो किचन क्लॉथ्स होते हैं जो हमें किचन में चाहिए, टी टॉवल्स हो गए, वो सब चीज़ें हैं जो किचन में, किचन टॉवल्स वगैरह जो हमारी घर पे मदर्स वगैरह यूज़ करती हैं, हमें भी यहाँ पे ज़रूरत पड़ जाती है कनाडा में। इट्स नॉट कि सिर्फ मदर्स ही करती हैं, जो भी किचन में जाता है उसे किचन टॉवल तो चाहिए ही चाहिए। तो गाइस यहाँ पे फिर थोड़ा घर का सामान है, चाकू चाकू आ गए हैं यहाँ पे, और माइक्रोवेव सेफ ग्लव्स यहाँ से मिल जाते हैं, और छन्नी चाहिए हो, कुछ प्रेसर चाहिए हो, दोज ऑल थिंग्स यू कैन गेट फ्रॉम हेयर। और ये सारी चीज़ें भी जो हैं ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, कुछ भी आपने फ़िल्टर करना है, फ़िल्टर की हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है। और ये कुछ वुडन का एंटीक चीज़ें होती हैं, थोड़ी कॉस्टली होती हैं गाइस, ये आप देख सकते हो, ये सब वुडन मटेरियल है, जिसको वुडन चीज़ों का बहुत क्रेज़ होता है किचन में रखने का, ये वुडन चीज़ें हर चीज़ यहाँ पे मिल जाती है, वो चीज़ें भी आप ख़रीद सकते हैं। ये चॉपिंग बोर्ड्स जो हमें चाहिए होते हैं घर पे ऊपर, ये चॉपिंग बोर्ड हैं अलग अलग साइज के, ये भी हम ले सकते हैं। ये अलग अलग तरह के पैन्स एंड ऑल, अलग अलग साइज़ के, स्टील के, नॉन स्टिक, हर चीज़ आप यहाँ से ले सकते हैं। ओके, तो चलते हैं आगे गाइस, लेट्स गो। बॉटल्स वगैरह कुछ एमरजेंसी चाहिए हो वो भी हम मिल जाते हैं यहाँ पे, जैसे बॉटल्स हैं वो भी हम ले सकते हैं। फिर आ जाइए गाइस, हम डेकोरेशन वाले कॉलम में चलते हैं। डेकोरेशन वाले कॉलम में भी ऐसे एंटीक पीसेस होते हैं कुछ ना कुछ, यहाँ पे लोग अपना घर सजा के रखते हैं, तो डेकोरेशन का यहाँ पर बहुत कुछ मिल जाता है। इट ऑल डिपेंड्स कि आप अपने घर का इंटीरियर आपका कैसा है, आप कैसे उसे डेकोरेट करना चाहते हो, सो ऑल दोज थिंग्स यू कैन डेकोरेट। सो ये ग्लासेस हैं, अगर आपको क्रॉकरी में कुछ भी अलग से चाहिए, कुछ अट्रैक्टिव चीज़ें आपको सजाने के लिए रखनी है, यूज़ करने के लिए लेनी है, वो आप यहाँ से ले लीजिए। फिर यहाँ पे गाइस प्लेट्स हैं अलग अलग तरह की, बहुत सुंदर प्लेन वाइट ग्लासेस में, तो आप प्लेट्स वगैरह क्रॉकरी का कुछ भी सामान हो यहाँ से आप ले सकते हो। हम थोड़ा आगे चलते हैं गाइस, ये सारा जो है सेक्शन ये क्रॉकरी सेक्शन है सारा, फाइन। तो हम आगे चलते हैं, जैसे आपको घर के इंटीरियर के हिसाब से कुछ आगे
फ्लावर्स में या जैसे गार्डनिंग का टाइप का कुछ आपको डेकोरेट करना हो तो आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हो। कुछ भी अगर आपको किचन में रखना है, कुछ वॉशरूम्स में कुछ डेकोरेट करना है, आप उस हिसाब से इसे डेकोरेट कर सकते हो। बहुत सारी गार्डनिंग में ये अट्रैक्टिव चीज़ें मिल जाती हैं जो आप वैसे भी यूज़ कर लेते हो, सजाने के लिए भी यूज़ कर लेते हो। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसे कैसे यूज़ करना चाहते हो। फ्लावर पॉट्स एंड ऑल दैट भी मिल जाता है यहाँ से। ये पीछे सारी कलेक्शन है, आप जैसे यूज़ करना चाहते हो वैसे करिए। सो ये भी सारा जो है ये डेकोरेशन कॉलम है। डेकोरेशन कॉलम में हम चलेंगे। डेकोरेशन कॉलम में सो गाइस, अगर हम कुशन्स और बेडिंग की बात करें तो कुशन्स और बेडिंग्स की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे भी अपनी चीज़ें यहाँ से कुछ भी ले सकते हैं। बेडिंग्स का, कारपेट्स, एवरीथिंग, काफ़ी सारे कलर्स मिल जाते हैं यहाँ पे कि हमें अपनी बेडिंग में क्या क्या चीज़ें लेनी है। ये सारे कारपेट्स हैं, फ्लोर कारपेट्स, कुछ मैट्स हैं। तो यहाँ पे अलग अलग सॉफ्ट स्टफ, हार्ड स्टफ, एक थोड़े मिक्स स्टफ्स होते हैं, जिसे जैसा पसंद है वहाँ से खरीद लेता है। कुशन्स की यहाँ पे वही बहुत वैरायटी है। देयर आर सो मेनी कुशन्स जो हमें रूम में चाहिए होते हैं, बहुत सारे कलर्स हैं। तो इसके ऊपर प्राइस टैग्स लगे होते हैं, जैसे हम यहाँ से देख सकते हैं कौन सी कंपनी है। HM होम की है, लाइक दिस प्राइस ऑफ $39, $39.99। तो ऐसे ये सारे कुशन्स हैं। और तो जॉन जॉन सा जैसे जैसे पसंद आता है वो यहाँ से रख ले, मैं चलती हूँ आगे। पेंटिंग्स हैं गाइस, तो पेंटिंग्स जिसे अपने घर में लगानी है वो यहाँ से पेंटिंग्स भी खरीद सकता है। और आगे बकेट्स वगैरह मिल जाती हैं स्टोरेज के लिए। आपको अपनी वार्डरोब को सजाना है उसके लिए यहाँ से सारा सामान मिल जाता है वार्डरोब के लिए। ये सारा वार्डरोब का सामान है, कुछ भी आपको चाहिए हो अपनी क्लोसेट के लिए, सो यू कैन टेक दैट फ्रॉम हेयर। चलो गाइस थोड़ा आगे चलते हैं। सो गाइस होप आप आज की वीडियो जो है वो इंजॉय कर रहे हो मेरे साथ। तो यहाँ पे अब हम किड सेक्शन में आ गए हैं। किड सेक्शन में पोइट्री वगैरह, उनकी बुक्स, उनके कलर्स, क्रेयॉन्स, बच्चों का सारा मिल जाता है यहाँ पे सामान। मैं सिर्फ आपके लिए आई हूँ, मैं अभी खुद बच्चा हूँ, खुद किड हूँ, तो जस्ट आपको घुमाने आई हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे सारी उनकी गेम्स, टॉयज, बुक्स, ये सारा सेक्शन होना चाहिए गाइस। दिस सेक्शन किड्स के टॉयज ऊपर सब लिखा होता है सेक्शन पे, वहाँ पे आपको अपना सेक्शन देखना होता है कि आपको कौन से सेक्शन पे जाना है। तो हम आगे चलते हैं। किड सेक्शन तो पीछे रह गया, अब मेन सेक्शन में मैं आ गई हूँ। यहाँ पे मेन्स की सारी सॉक्स, वुलन सॉक्स, गारमेंट्स, उनके कार्गोज, जीन्स, टी शर्ट्स, हर चीज़ यहाँ पे मिल जाती है दिस सेक्शन। दिस इज़ ऑल मेन सेक्शन, ठीक है। तो गाइज आगे चलते हैं। ये आजकल तो गर्मी आई नहीं है कनाडा में, बट लड़कों के लिए टी शर्ट्स आ गई हैं बड़ी जल्दी। सो दिस इज़ द मेन सेक्शन, आप देख सकते हो ये सारी टी शर्ट्स हैं। टी शर्ट्स इंजॉय करिए। यहाँ पे भी अलग अलग साइज़ में से आप चूज़ कर सकते हो कौन सा साइज़ है, क्या उसका प्राइस है, क्या डिस्काउंट है, सब यहाँ पे मेंशन होता है गाइस। ये लड़कों की कैप्स, अलग अलग तरह की, अलग अलग ब्रांड्स, वो आप देख सकते हो। ये कुछ ट्रैवलिंग बैग्स होते हैं, दिखाती हूँ एक मिनट। ये कुछ ट्रैवलिंग बैग हैं गाइस, जो लोग बहुत ट्रैवल करते हैं उन्हें कैसा कैसा बैग चाहिए वो सारा अपना ट्रैवलिंग बैग में देख सकते हैं। ये जो मेंस की सारी शर्ट्स, टी शर्ट्स हैं, शर्ट्स हैं सॉरी, ये सारी शर्ट्स यहाँ पे स्टार्ट हो जाती हैं। अगर आपको किसी को गिफ्ट करनी हो
लेनी हो अपने किसी फैमिली के लिए, फैमिली मेंबर के लिए, आप यहाँ से ले सकते हो। शॉर्ट्स भी हैं सारे, एवरीथिंग है गाइस। सो अगर जीन्स और लोअर्स की बात करें, ये साथ ही सेक्शन है, आज तो 30% ऑफ भी चल रही है, मैंने अभी देखा है। तो ये सारा उनका लोअर का सेक्शन है, जेंट्स मेंस कॉलम में आई हुई हूँ। तो मेंस कॉलम में अपना क्या काम, चलो भैया आगे चलते हैं। अभी जेंट्स ही नहीं खत्म हो रहा यार, जेंट्स का कॉलम इतना बड़ा है। चलो जेंट्स का आपको पूरा ही घुमा देते हैं फिर। तो ये जेंट्स की अगर घूमने फिरने में प्यास लगे, बॉटल्स हैं एक्सरसाइज के लिए चाहिए हो, पानी मिल जाता है सारा। एक्सरसाइज के लिए आपको क्या क्या चाहिए, सारा उसका मिल जाता है सामान। बेल्ट्स हैं मैन जी, वेस्ट बेल्ट्स, शूज़ हैं उनके, सॉक्स हैं। तो ये सारा जो टेंशन लेने की बात नहीं है, जो जो भी लोग कनाडा में आ रहे हैं, कनाडा में सब मिल जाता है। अपना विंटर्स का सामान वैसे ज़्यादा लाइए, और अगर कुछ विंटर्स का रह भी जाए तो यू कैन गेट ऑल दोज थिंग्स फ्रॉम हेयर इन एनी ऑफ द स्टोर्स। तो विनर्स पे भी मैं आ जाई हूँ, यहाँ पर सब कुछ मिल जाता है। सो ये इनकी ट्रिमिंग मशीन है सारी मेंस की, ये भी मिल जाती हैं सारी। और अगर कार चलाने के लिए आपको वो चाहिए होता है लोकेशन देखने के लिए, इसमें फ़ोन आपने सेटअप करके रखना है, ये सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल दिस गूज नेक फ़ोन माउंट, ये चीज़ें कनेक्शन के लिए गाइस जो यूज़ होती हैं। हमें फ़ोन हाथ में पकड़ के ड्राइव करना इट्स नॉट पॉसिबल, तो आप यहाँ पे आके वो भी फ़ोन जो माउंट चलते हैं वो भी आप ले सकते हो। यहाँ पे तीन चार चीज़ों की ऐसी वैरायटी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी मिल जाते हैं, एवरीथिंग यहाँ पे मिल जाता है। तो हम आगे चलते हैं। हेलो गाइस, तो अब मैंने शॉपिंग कर ली है गाइस, अब मैं बाहर जा रही हूँ। अंदर वीडियो ज़्यादा देर के लिए बनाना अलाउड नहीं था, सो थोड़ा उन्होंने मुझे शूट करने दिया। अब उसके बाद अब मेरी शॉपिंग हो चुकी है, डन है, तो अब मैं बाहर जा रही हूँ गाइस। तो बाहर बहुत बारिश है इसलिए मैं बाहर जाके बात नहीं कर सकती, बहुत ज़्यादा तेज़। जब मैं आई थी तब इतनी तेज़ नहीं थी, अब तो बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो बस अभी टैक्सी आ रही है, तो बस मैं जा रही हूँ गाइस, बाय, घर जाके बात करती हूँ।